नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। अमेरिका अब खुलकर खेलने लगा है। चीन लाख विरोध करे मगर अमेरिका वही कर रहा है जो उसे सही लग रहा है। ताइवान पर अमेरिका का समर्थन जग जाहिर है। अब वहां तिब्बत मामले में भी चीन के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। अमेरिका की पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। नैन्सी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दलाई लामा का संदेश सदियों तक जीवित रहेगा मगर शी जिनपिंग कुछ ही सालों में चले जाएंगे, उन्हें कोई श्रेय नहीं मिलेगा। चीन लाख मना करता रहा कि अमेरिकी सांसदों की टीम दलाई लामा से नहीं मिले मगर अमेरिका ने एक ना सुनी। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककॉलिस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में नैन्सी पेलोसी भी है जिन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की। नैन्सी पेलोसी ने तसुक लाखंग कॉम्प्लेक्स में आयोजित सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने चीन पर जमकर हमला बोला। नैन्सी ने अमेरिकी सदन में पारित प्रस्ताव पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि इससे तिब्बत को आजाद देश की मान्यता मिलेगी। तिब्बत एक्ट द्विदलीय विधेयक है जो तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ावा देता है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के साथ अमेरिकी डेलीगेशन की मीटिंग से चीन बौखलाया हुआ है। उसने इस विधेयक पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इसे मंजूरी ना देने के लिए कहा है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तब से तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर दलाई लामा और भारत में रह रहे लाखों तिब्बती शरणार्थी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 391 से 26 के मतों से तिब्बत चीन विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसका उद्देश्य तिब्बत के इतिहास और लोगों के खिलाफ चीन की साजिश से लड़ने के लिए आर्थिक मदद देना है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव का भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चीन के साथ सीमा पर भारत इस समय तनाव को कम करने के लिए बातचीत में जुटा है। भारत शुरू से तिब्बत का समर्थन कर रहा है मगर तिब्बत को लेकर अमेरिकी मंशा अभी साफ नहीं है। अमेरिका की ताजा पहल से ये मामला फिर से चर्चा में आ गया है। आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।